जय हिंद दोस्तों, आप लोग सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल शैलेश उपाध्याय फिटनेस में। आप लोगों ने अभी तक इस बेस्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ मेरे इस चैनल का बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर में मेरी फिटनेस या जिम रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड हो तो टाइमली उस वीडियो की जो नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों के पास चली जाए और आप लोग मेरी कोई भी वीडियो को मिस ना करें। तो दोस्तों, जैसा कि सभी कोई जानता ही होगा कि 5 अगस्त से पूरे इंडिया के जिम खुलने वाले थे, लेकिन उससे पहले कि कुछ राज्यों के लिए बहुत ही बड़ी बुरी खबर आ रही है दोस्तों, बहुत ही बड़ी बैड न्यूज है। क्या बताऊँ यार आप लोगों को, बहुत ही अंदर से मैं सैड हूँ आप लोगों के लिए। कौन सी स्टेट में जिम नहीं खुल रहे हैं 5 अगस्त से दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो जो लोग वो स्टेट से बिलोंग करते हो तो प्लीज ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना भाई लोग मेरे, मैं आपके साथ हूँ हमेशा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, महाराष्ट्र में जिम नहीं खुल रहे हैं। दूसरा स्टेट है दोस्तों बिहार, वहां पर भी 5 अगस्त से जिम नहीं खुल रहे हैं। तीसरा है MP और चौथा है वेस्ट बंगाल, और पंजाब में भी अभी अटकलें चली रही है दोस्तों। कोई भी ऑफिशियल फैसला पंजाब गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो नहीं ले रही है। तो जो भी ये 4 या 5 स्टेट से बिलोंग करते हैं दोस्तों, उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी सैड न्यूज है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि गुजरात में जिम नहीं खुल रहे दोस्तों, गुजरात में ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है, न्यूज में आ चुका है कि हाँ 5 अगस्त से जिम को खोलने की पूरी तरह से अनुमति दे दी है हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने, और हमारे CM जो विजय रूपाणी है उन्होंने पूरी तरह से बोल दिया है कि 5 अगस्त से जो गुजरात के जिम है वो खुल जाएंगे। लेकिन अब मैं बात करता हूँ महाराष्ट्र के बारे में, क्यों स्टेट गवर्नमेंट ने 31 तक लॉकडाउन बढ़ाया है दोस्तों। स्टेट गवर्नमेंट है वहां की, जो महाराष्ट्र की, जो उद्धव ठाकरे, उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि 31 तारीख तक लॉकडाउन रहेगा और उसमें सिनेमा हॉल और जिमनेजियम नहीं खोले जाएंगे। तो फिर ये तो वही हुआ दोस्तों, यार सच बताऊ मैं कसम खा के बोल रहा हूँ दोस्तों, जितनी खुशी मुझे गुजरात में जिम खुलने की थी ना, उतनी खुशी आप लोगों को भी महाराष्ट्र में जिम खुलने की थी। लेकिन अब क्या हुआ है दोस्तों, मैं गुजरात में जिम खुलने से भी खुश नहीं हूँ, थोड़ा भी खुश नहीं हूँ दोस्तों। क्योंकि यार मेरे भाई अगर जिम ना खुल पाए, सबसे पहले बता दूं महाराष्ट्र के लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत रहा है, क्योंकि जिम बंद थे उसी समय जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें सबसे ज्यादा लोग महाराष्ट्र के थे, जो जिम सपोर्टर्स थे, जिम लवर्स थे, और जितने भी ट्रेनर्स और ऑनर्स थे वो महाराष्ट्र से ज्यादा बिलोंग करते थे। तो यार यारो क्या बताओ, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ही है सुनो दोस्तों जो फर्स्ट ऑफ ऑल अनाउंसमेंट करती थी कि राजेश टोपे हो गए जो हेल्थ मंत्री वहां के, वो बोलते थे कि हाँ हम लोग जिम खोलने के लिए तैयार है। कोई भी गवर्नमेंट जब सामने नहीं आती थी तब यही महाराष्ट्र गवर्नमेंट सामने आ रही थी कि जिम खुल जाएंगे, टेंशन मत लीजिए, आश्वासन दे रही थी हमें। लेकिन अब क्या हो रहा है दोस्तों, अब ये बात हम लोगों से सहनी नहीं हो रही, क्योंकि अब महाराष्ट्र में जिम नहीं खुल रहे हैं और साथ ही साथ पंजाब में भी अटकलें चल रही है, बिहार में तो 16 तक लॉकडाउन लग चुका है, तो 5 अगस्त से जिम खुलना तो दोस्तों मुमकिन ही नहीं है, और वेस्ट बंगाल और MP मध्य प्रदेश यहाँ पर भी जिम खुलने की 5 तारीख से कोई आशाएं दिख नहीं रही है। तो पहली बात तो हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को टारगेट करते हैं, जो केंद्र सरकार ने ये छुट्टी दे रखी है, जो परमिशन दे रखी है कि क्या जो स्टेट गवर्नमेंट है अपनी तरह से कोई भी डिसीजन ले सकती है। लेकिन ये कैसा डिसीजन है गवर्नमेंट, ये कैसी न्याय है आप लोगों का, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। आप लोग कुछ स्टेट के जिम खोलने की अनुमति दे रहे हो और कुछ स्टेट जो है वो अपने लॉकडाउन बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब हम खुश रहेंगे क्या? हमारे भाई अगर जिम नहीं खोल पाएंगे तो हम खुश रहेंगे? और यहां से ध्यान रखना दोस्तों कि स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में जो फैसला है वो कभी भी बदल सकता है। अब लोगों में ये डर हो गया है कहीं गुजरात में ये फैसला बदल ना जाए, कहीं दूसरे स्टेट में जो आप एक जिम खुलने का फैसला हो चुका है वहां पर फैसला बदल ना जाए। कंटेनमेंट जोन में तो पहले से ही प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन ये अब नया आ चुका है दोस्तों। 5 तारीख आने में अभी भी 6 दिन बाकी है, लेकिन आप लोगों को अपनी अपनी जिमों की सफाई कर देनी होगी दोस्तों। इसकी वजह से क्या होगा, हमें इतना आश्वासन मिल जाएगा कि ना अब हम अपनी सफाई वफाई कर चुके हैं, पूरा सैनिटाइजेशन करवा चुके हैं, तो हम अपने जिम को अब बंद नहीं रख सकते हैं। और जो भी स्टेट में जिम नहीं खुल रहे हैं दोस्तों, महाराष्ट्र में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में, पंजाब में अभी थोड़ी सी अटकलें चल रही है, वहां के लोगों के लिए मैं दिल से दुख व्यक्त करता हूँ, लेकिन आप लोग शांत मत बैठिएगा। अब क्या होगा दोस्तों, आपके सपोर्ट में बहुत ही कम लोग आएंगे, क्योंकि आधी जिम जो स्टेट खुल चुकी होगी दूसरे स्टेटों की, वहां के जो गवर्नमेंट ने अपनी जिम खोल दी होगी, और बचे कुछ स्टेट जो 3-4-5 बचेंगे उनके लिए सपोर्ट को एकजुट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। एकता बनानी होगी, आप ही आप अंदर अंदर जितने भी स्टेट के लोग बिलोंग करते हो वो लोग सपोर्ट बनाइए, क्योंकि दोस्तों यार
मैं तो आप लोगों के साथ हमेशा हूँ, जब तक जिम नहीं खुलेगा तब भी हूँ, और जिम खुलने के बाद भी आप लोगों के साथ हमेशा रहूंगा, ये शैलेश उपाध्याय की तरफ से वादा है दोस्तों। तो प्लीज डिप्रेशन में ना जाना, कोई गलत कदम मत उठाइएगा, क्योंकि अभी भी चांसेस है दोस्तों, 5 दिन बाकी है। बड़े बड़े जो जिम एसोसिएशन है उनके साथ बात कीजिए कि सर लोग हम क्या करें आगे, हमारा फ्यूचर क्या है। 31 तारीख तक बन रहा, मतलब ये तो हद हो गई यार, गवर्नमेंट जो महाराष्ट्र की है हद करती है। राजेश टोपे कहाँ है जो जिम खोलने के सबसे पहले तैयारी रखते थे, 15 जुलाई से ही खोलने वाले थे, अब 5 अगस्त को जो फैसला है उसके बाद ये पलट जाती है गवर्नमेंट। तो यार हम तो कुछ नहीं कर सकते, मतलब हम कठपुतली है गवर्नमेंट की तरफ से, और हमको जिस तरह से नचाएगी गवर्नमेंट हमें नाचना है। दूसरे स्टेटों को भी लोग डर रहे हैं, अरे मेरे को गुजरात से जो मैं बिलोंग करता हूँ वहां से 10-12 फोन आ गए तुरंत ही, जो महाराष्ट्र में जिम नहीं खुल रहे, तो क्या गुजरात भी ऐसे क्विट करेगी। मैं बोलूं दोस्तों कि केंद्र सरकार ने जो भी परमिशन दे रखी है स्टेट गवर्नमेंट को, वो यूज कर सकती है। मैं अगर आप लोगों को पावर उत्तर दे दूं कि हाँ आप लोग मेरे में कुछ भी कमेंट मार सकते हो, टेंशन मत लेना, तो आप गाली भी लिख सकते हो। ऐसा ही है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, जो केंद्र सरकार ने परमिशन दी है वो क्या कर रही है, वो अपना परमिशन का यूज कर रही है, पावर का यूज कर रही है। वो चाहे तो मॉल बंद कर सकती है, होटल बंद कर सकती है, जिम को खोल भी सकती है, ऐसा नहीं है। उनको लिए फैसला लेना सिर्फ 2 सेकंड की बात है, क्योंकि 5 अगस्त से जो फैसला है वो केंद्र सरकार की तरफ से निकल गया है। तो बहुत ही बड़ी सैड न्यूज थी दोस्तों, मैं लाना नहीं चाहता था, लेकिन हमारे भाइयों को सच्चाई मालूम पड़ना बहुत ही जरूरी था। तो दोस्तों मिलते हैं महाराष्ट्र की कोई भी स्टेट की अगर नेक्स्ट अपडेट आती है, और दूसरे स्टेटों की जो एसओपी आने वाली है जिम रीओपन की, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे जैसे आएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।